कि व्यापारी का अपहरण का मामला लिख रहा हनी ट्रैप का, जहां बता दे कि व्यापारी का अपहरण करने के बाद फिरौत के रूप में आरोपियों ने लाखों रुपए युवक से ऐंठ लिए और कोटा में छोड़कर फरार हो गए थे, जिस पर पीड़ित के परिजनों द्वारा नैनवा थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। तो वहीं पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए जब जांच की तो जांच में पाया गया कि एक युवती द्वारा युवक को सोशल मीडिया के जरिए फंसाया गया और फिर मामले में ठगी करते हुए युवक का अपहरण कर लिया और युवक से लाखों रुपए की ठगी कर ली। तो वहीं पुलिस ने जांच करते हुए गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। मैं कल टोंक जा रहा था तो रास्ते में मेरे फोन आ गया उसका कि मैं भी यहाँ पर आ रही हूँ, तो आप यहीं पर जाओ मेरे को मिल लेना। तो मैं उससे मिलने के लिए वहाँ पर रुक गया और जैसे उतरा मैं वहाँ पर, इन लड़के थे जिन्होंने मेरे को दबोच लिया और गाड़ी में पटक के ले गए मेरे को। कहाँ ले गए आप? मेरे को बूंदी लेके गए हुए, फिर बूंदी में उन्होंने मेरे से पहले तो मारपीट भी करी, फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे से पैसे टके जो थे वो भी छीन लिए और मोबाइल में से पैसे वगैरह निकालने की कोशिश करी, वो नहीं निकल पाए, फिर मेरे को छोड़ दिया उन्होंने। कहाँ पे छोड़ा आपको? फिर हमारे को उन्होंने कोटा छोड़ दिया। करीब कितने पैसे आपसे डलवाए गए उन्होंने? मेरे से करीबन 135-140 के आसपास आपसे डलवा लिए, अलग अलग अकाउंटों से। तो किस प्रकार से झांसे के अंदर आए आप? झांसे में मैं, लड़की ने मेरे को मतलब फंसा लिया कुल मिला के और मैं उसके कहने में आ गया बस। दोस्ती हो गई थी आपके? हाँ, केवल बस ऐसे बातचीत में हुई थी और ज्यादा कुछ नहीं, बात नहीं हुई थी, ओनली बस इतनी सी बात हुई थी कि सोशल मीडिया पे दोस्ती थी। मतलब बस मैं मिलना चाहती हूँ कि आपसे, तो आप, मैं आपको जानती हूँ, बस एक बार मिलना है मेरे को। अभी हाल में एक नैनवा के व्यापारी के साथ एक घटना घटित हुई थी जिसमें अपहरण की घटना हुई थी, जिसकी हमें अनुसंधान किया गया, जिसमें एक कोटा की गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें गैंग के माध्यम से जो भी ट्विटर और फेसबुक सोशल मीडिया से जो प्रोफाइल होती है उनसे फ़ोटो उठाकर फेक प्रोफाइल आइडिया क्रिएट करते हैं, उसके माध्यम से ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर बातचीत चालू करते हैं और उसके बाद अश्लील चैटिंग करते हैं और उसमें उसको ब्लैकमेलिंग करते हैं। ब्लैकमेलिंग करने के लिए फिर बाद में पैसों की मांगते हैं और ये भी ये देखते हैं कि उसमें कि वो किस प्रकार का उसका इकोनॉमिक स्टेटस है। कई बार वो रेकी भी करते हैं आके कि वो किस प्रकार उसका कितना इकोनॉमी का, वो कितना रुपए दे सकता है। इस संबंध में हमने एक कोटा गैंग का पर्दाफाश हुआ जिसमें 4 आरोपी है, जिसमें एक महिला भी है जो कि महिला की आवाज़ उसके माध्यम से निकाल कर बात करके करती है। गैंग ने अभी कोटा और हड़ौती में कोटा ग्रामीण और 12 झालावाड़ी कुछ घटनाएँ कबूल की है और संभावना कि इसमें काफ़ी लोगों के साथ इस प्रकार की ठगी हुई जो कि अश्लील चैटिंग करके बाद में ब्लैकमेलिंग करने का मामला आ पाएगा। और ऐसी घटना को लेकर आप आमजन को क्या संदेश देना चाहोगे? इसमें यही है कि किसी भी प्रकार की कोई भी अननोन सोशल मीडिया से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आए या किसी प्रकार कॉल आए उसको अटेंड ना करें और इससे पहले उसकी पूरी तरह वेरीफाई करें कि ये कोई व्यक्ति जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है कि हम उसको जानते हैं नहीं जानते हैं, और इसको पूरी तरह से जानकारी जुटा कर ही हमें इसमें सोशल मीडिया में उसमें अटेंड करें। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।